दोस्तों ये 90s के जमाने की कुछ ऐसी तस्वीर है कि इसे जो भी पहली बार देखता है वो यही कहता है, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। जी हाँ, मेरे भी दिमाग का सिस्टम मिल गया था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। एंड ये तस्वीर टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई है। एंड ये करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी और रहस्यमय है। एंड इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि ये साल 1917 में कनाडा में खींची गई एक नॉर्मल तस्वीर है। और भैया ये जितनी नॉर्मल दिख रही है ये उतनी है नहीं। और इस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये पिकनिक का तस्वीर है। और इस तस्वीर में हैरान कर देने वाली चीज ये शख्स है, और जो कि दिखने में ये अभी के लोगों की तरह है, जो कि शर्ट के अंदर टी शर्ट पहना हुआ है। और इसका ये हेयर कट भी आसपास के लोगों से काफी अलग है। एंड एक कमाल की बात और है, इस आदमी का नामकरण हो गया है और इसे सब सर्फर मैन कहते हैं। और देखो ये साइड में बैठा हुआ आदमी इसे बहुत ही ध्यान से देख रहा है।